दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे रामा राव ऑन ड्यूटी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। रामा राव ऑन ड्यूटी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में रवि तेजा, दिव्यांशा कौशिक, रजिशा विजयन, नसर, पवित्रा लोकेश और जॉन विजय नजर आए हैं। इस फिल्म को शरत मंडावा ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी है। इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1400 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में यानी शुक्रवार के दिन में 4,87,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो दूसरे दिन में इस फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इस फिल्म ने दूसरे दिन में यानी शनिवार के दिन में 81,00,000 का नेट कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 5,68,00,000 हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 6,85,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 55,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के दो दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 7,40,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने तीसरे दिन में लगभग 1,20,00,000 का नेट कलेक्शन करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 30 से 35 करोड़ के रेंज में है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिसास्टर साबित हुई है। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।